और दोस्तों कृष्णा फूड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही कम सामान में बनने वाली है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये जो सब्जी है ना, बहुत ही कम सामान में बनेगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप यकीन मानो बार बार बनाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक डाल रहे हैं, केवल 1 चुटकी, ताकि मसाला जो है हमारा बड़े जल्दी से फ्राई हो जाए। 1/2 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई बारीक, 200 ग्राम मैंने टमाटर बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं, पहले वॉश करके उनको कट कर लिया है। लीजिए, अब इस सब्जी का जो मेन जो प्रोसेस है ना, वो यही है कि हमें इस टमाटर को अच्छे से फ्राई करना है। और इसको हमें 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि ये मसाला अपना घी ना छोड़ दे। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अच्छे से भूनिएगा, देखिए तेल जो है वो हमारा निकलने लग गया है टमाटरों में से। टमाटर देखिए हमारे कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं, पर अभी भी हमें इसको पकाना है। इसका जो कलर है ना, वो बिल्कुल ब्राउन कलर आता है सब्जी का जब बन जाती है तो। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। जो मैंने 1/2 किलो आलू लिए थे, उनको मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया, वॉश कर लिया और मीडियम साइज में कट कर लिया है। अब आप इसको मसाले के साथ अच्छे से मिलाएं। अब हमें ये जो आलू डाले हैं ना टमाटर के अंदर भी, इनको भी हमें 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर इनको भूनेंगे। आप मानोगे, सब्जी ऐसी बनेगी जैसे कि बिल्कुल ही डिफरेंट। और अगर आपने एक बार इसको टेप बनाकर देखेंगे तो आप बार बार इसी सब्जी को बनाएंगे। इसको अच्छे से भूनिएगा। इस सब्जी का जो स्वाद है ना, वो केवल इसको भूनने में है। लो मीडियम फ्लेम पर हल्के हल्के हाथों से भूनती रहती है सब्जी, बहुत अच्छी बनती है। लीजिए, अब हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हमने इसको पानी को भी अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इनको अच्छे से मिला दीजिए। आपने देखा होगा, हम कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें मसाला पहले भूनते हैं, इसमें मसाला हम लास्ट में डालेंगे। अब हम इस कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और 5 विसल लगवाएंगे। लीजिए, 5 विसल लग गया। देखिए सब्जी का कलर, सब्जी का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, कितनी अच्छी सब्जी बनी है। ये देखिए सब्जी हमारी है बनकर तैयार हो गया। स्पेशली अब इसको के अंदर हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप इस सब्जी को पराठे पूरी के साथ खाइए, और स्पेशली तो पूरी के साथ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है तो कृपया करके कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।